हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एनालिटिक फंक्शन से जुड़ा हुआ एक थ्योरम। थ्योरम कोची रीमन इक्वेशन से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली ये पोलर फॉर्म से रिलेटेड एक थ्योरम है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। मैंने कोची रीमन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म के लिए मैंने वीडियो बना रखी है। आपसे अगर एग्जाम में पूछता है कि स्टेट एंड प्रूव कोची रीमन थ्योरम इन पोलर फॉर्म, तो आप उसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो मैंने वीडियो बना रखी है वो लॉन्ग है, क्योंकि उसे हम बाई कार्टिजन की मदद से कर रहे हैं। और ये जो मैं आज की वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, एक तो एक्चुअल में है एक थ्योरम, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है कोची रीमन इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए पोलर फॉर्म में। तो आप एग्जाम में इसे भी लिख सकते हैं, तो ये बेस्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो थ्योरम क्या कहती है, इफ़ अ फंक्शन इज एनालिटिक, अगर कोई फंक्शन आपका एनालिटिक है इन अ रीजन आर, देन प्रूव दैट कर्ली यू ओवर कर्ली आर किसके बराबर है, कर्ली वी ओवर कर्ली थीटा इंटू वन अपॉन आर। और दूसरा में ये प्रूफ करना कि कर्ली ओवर कर्ली थीटा किसके बराबर है, माइनस आर इंटू कर्ली वी अपॉन कर्ली आर। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है शॉर्टकट मेथड टू प्रूफ सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। बहुत ही आसान है, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा शुरू से लेकर, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए हमारे कार्टिजन फॉर्म में ये है, हमारे पास ये एक्स रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने पी ले लिया है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, यानी कि एक्स डिस्टेंस यहाँ पर है, वाई डिस्टेंस यहाँ पर है, और ओरिजिन से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है आर, पोजीशन वेक्टर, और बनने वाला जो एंगल है वो थीटा है। यानी कि जब आप ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगाएंगे, हमें एक्स निकालना है और आर पता है, तो रिलेशन के अकॉर्डिंग आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। हमें आर पता है, वाई निकालना है, रिलेशन बिठाएंगे तो हमें वाई मिल जाएगा आर साइन थीटा। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई होता है, तो x की और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर पुट करने के बाद आपको r कॉमन मिल जाएगा, कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा cos थीटा प्लस आई sin थीटा, और cos थीटा प्लस आई sin थीटा क्या होता है, e की पावर आई थीटा। तो z इक्वल्स टू क्या आ गया, r e की पावर आई थीटा। लेकिन आपको पता है जो फंक्शन z होता है वो हमेशा u प्लस आई वी के रूप में होता है, और अभी हमारा z क्या है, r e की पावर आई थीटा है, ये हमने यहाँ रख दिया। ओके, आगे देखिए, उसके बाद थोड़ा मैंने ढंग से लिख लिया है यहाँ पर, ये आपका u प्लस आई वी इज टू एफ आर e की पावर आई थीटा। अब ये जो चीज़ है उसको हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू r और विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो सबसे पहले रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, तो क्या हो जाएगा, ये कर्ली u ओवर कर्ली r प्लस i कर्ली v ओवर कर्ली r इक्वल टू फंक्शन का f डैश हो जाएगा r e की पावर आई थीटा, और r के सापेक्ष कर रहे हैं तो e की पावर आई थीटा कॉन्स्टेंट और r का अवकलज वन हो जाएगा, जो लिखा नहीं है मैंने इंटू बाई वन क्या लिखे। फिर इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अब क्या हो जाएगा, कर्ली यू ओवर कर्ली थीटा प्लस आई कर्ली वी ओवर कर्ली थीटा। फिर यहाँ से एफ डैश आर e की पावर आई थीटा, अब हम कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो आर कॉन्स्टेंट हो जाएगा और e की पावर आई थीटा का क्या हो जाएगा, की पावर आई थीटा, और आई थीटा का आई आ जाएगा थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए एफ डैश आर e की पावर आई थीटा इंटू की पावर आई थीटा, समीकरण एक से इसकी वैल्यू हमें पता है, तो इसकी जगह और इसकी जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे ये, और इंटू में क्या बच जाएगा आर आई, है ना, यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी समीकरण एक से। अब आर आई से क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो आई आर कर्ली ओवर कर्ली आर आ जाएगा प्लस आई स्क्वायर आर कर्ली वी ओवर कर्ली आर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, तो ये वाला पोर्शन आई स्क्वायर की जगह माइनस वन रख देंगे तो क्या जाएगा, माइनस के आर कर्ली वी ओवर कर्ली आर प्लस आई आर कर्ली ओवर कर्ली आर, ये इसके बराबर है। तो जो कि दोनों चीज़ सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि कंपैरिजन कर सकते हैं हम रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट की, हम क्या कर देंगे कंपैरिजन। जब आप रियल पार्ट की रियल पार्ट से कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, जब आप इमेजरी पार्ट की इमेजरी पार्ट से कंपैरिजन करेंगे तो आपको मिलेगा। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमें वो रिजल्ट मिल चुका है। तो आई होप ये क्वेश्चन और ये थ्योरम आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें। वीडियो देखने के धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।